Hello and welcome to the Make Believe podcast. I'm Aarti. Hi, I'm Akash. Hi, I'm Kasush. We are theatre artists from Khilona Theatre for Children and the Young, India's first company of adults performing for children. So welcome to our podcast. We are going to talk about theatre, all the plays that we've done, all the plays that we really love, all the adventures we've had, all the mishaps, and what life in theatre is like. So if you do theatre or you watch theatre or you're interested in theatre, this podcast is for you. And if you don't like theatre or you're not interested in theatre, this is a good way to get started. So keep watching. And so life in theatre, yeah. So abhi to quarantine hai, lockdown chal raha hai. So hum bhi khali baithe hai, waiting for the lockdown to get over. Kyunki abhi to hamari performances, shows, workshops, sab cancel ho gaye hain. So we are just reading books and... We are cooking and typing scripts. Yeah. So, आज हम लोग आपको अपनी origin story के बारे में बताना चाहते हैं कि हम लोग theater में आए कैसे. So let's start with Akash. Akash, कैसे आए आप इस दुनिया में? तो मेरी story school से शुरू होती है. Actually मैं school से ही stage पर चढ़ना चाहता था, पर मेरे school में एक problem थी कि जो भी average बच्चे थे मेरे जैसे, उनको कभी stage पर perform करने दिया ही नहीं. और तुम दोनों जैसे मतलब इंटेलिजेंट लोग, उनको हमेशा टीचर्स कहती थी आप स्टेज पे परफॉर्म करिए, क्योंकि उनको लगता था कि ये आसानी से कर लेंगे, लाइन से याद एक्सप्रेस भी कर लेंगे अपने आप को अच्छे से और लाउडली भी बोल लेंगे. और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि मेरी हाइट बहुत छोटी थी, तो टीचर्स बोलती थी इसको अगर प्लेटफॉर्म पे भी खड़ा किया तब भी ये दिखाई नहीं देगा बिल्कुल भी. तो अगर कशिश होता उसको तो आराम से न्यूट्रोन मिल जाता स्कूल में कोई भी. तो जूनियर स्कूल में मैंने मोस्टली जो रोल्स किए वो या तो पेड़ बनके मेरे को पीछे पड़ा कर दिया था या आगे फूल बनके मैं ऐसे लहराता था, दैट्स इट. तो टेंथ क्लास के बाद बोर्ड की छुट्टियों में मैंने एक वर्कशॉप की थी नागपुर स्कूल ऑफ ड्रामा की, TI की, थिएटर इन एजुकेशन वाली. उससे बहुत कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर. तो और उस वर्कशॉप के बाद से पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या चांद तारे चमक गए थे. एक दिन एक लड़का आया क्लास में, वो कहता कि आकाश को मैम बुला रही है. तो मुझे लगा किसी ने कुछ कंप्लेंट की होगी, तो मैं गया वहां पे, तो पता चला कि एक स्वीट प्ले कॉम्पिटिशन हो रहा है जिसमें मुझे पार्टिसिपेट करना है. तो बस उस दिन के बाद से धमाकेदार परफॉर्मेंसेस शुरू हो गई थी मेरी लाइफ में. रोज डेली हम लोग प्रैक्टिस करते थे. हाँ, और एक इंटरेस्टिंग किस्सा है, क्या हुआ था कि मैंने प्रैक्टिस के दौरान एक भी इंग्लिश की क्लास अटेंड नहीं की थी. तो एग्जाम्स आने वाले थे फर्स्ट सेमेस्टर के, तो मैं क्लास में बैठा तो टीचर मेरे से पूछता, पहली बार मैं क्लास में बैठ रहा था, तो टीचर पूछता आर यू न्यू एडमिशन. मैंने कहा नहीं सर. कह रहे कब से हो स्कूल में? मैंने कहा नर्सरी से हूँ. कह रहे आज तक तो कभी दिखे नहीं. तो मैंने उनको बताया सर कि प्ले की प्रैक्टिस चल रही थी. तो कहते बी रेगुलर, 3 दिन बाद PTM थी. तो उन्होंने मेरी मम्मी को बोला आपका बेटा तो ईद का चांद भी नहीं है, ईद का चांद दिखाई तो दे जाते, ये मुझे दिखाई तक नहीं दिया आज तक. तो मम्मी ने क्रिटिसाइज, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी ना उसके आगे, क्या बोलेंगी वो. उन्होंने तो ये सोच के भेजा था पढ़ेगा लिखेगा, पर ये चल रहा है स्कूल में. तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया था बहुत गंदे से, लेकिन वो क्रिटिसाइज करना अच्छा लगा मुझे, क्योंकि उस दिन मुझे लगा कि हाँ कि आप थिएटर कर रहे हो स्कूल में, जो मैं शुरू से करना चाहता था वो मैं अब कर रहा हूँ दबा के. तो स्कूल के बाद कॉलेज ज्वाइन किया मैंने, कॉलेज की थिएटर सोसाइटी में भी था एंड आई डोंट वॉन्ट टू ब्रैग अबाउट माई सेल्फ, और पता नहीं कैसे मैं प्रेजिडेंट भी बन गया अपनी सोसाइटी का. फिर उसके बाद कॉलेज के बाद कुछ प्रोफेशनल थिएटर कंपनीज के साथ काम किया बहुत सारी. एंड अगेन आई डोंट वॉन्ट टू ब्रैग अबाउट माई सेल्फ, पर पता नहीं कैसे उन कंपनीज का मैं, किसी कंपनी का मैं स्टेज मैनेजर बना, किसी में प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर बना. तो दैट्स माय स्टोरी. कजिन, व्हाट अबाउट यू? इसका तो खानदानी गल्ला है. तो हाँ, मतलब मेरी खुशकिस्मती रही है कि मैं एक थिएटर वाली फैमिली में पैदा हुआ, एंड ज्यादातर जिंदगी मेरी ऐसे वेटरन थिएटर आर्टिस्ट के आसपास गुजरी है, एंड जिनका मुझे अब पता चल रहा है कि व्हाट अमेजिंग वर्क दे डू, लाइक अलका मैम, अवतार सर, नानू सर, गीता मैम. तो एंड मैंने बचपन में बहुत सारा थिएटर किया, आई हैव डन लाइक 10-15 थिएटर वर्कशॉप्स एज अ चाइल्ड, एंड बट स्टिल स्कूल के बाद मेरा समाव इंटरेस्ट था ही नहीं थिएटर में. तो आई गॉट इनटू म्यूजिक, आई गॉट इनटू आर्ट, and then at the age of 27 it took me that long to discover this amazing opera called the Mikado. It's a pretty famous opera. To wo dekha aur mujhe laga ki yaar ye kamal ka medium ho sakta hai, if you want to say something, and it's pretty funny and pretty insightful as well.
तो तब से आई गॉटन इनटू थिएटर म्यूजिक. माय फर्स्ट प्रोडक्शन वाज बहुत पुरानी नई कहानी एंड देन हार्ड टाइम्स से आई स्टार्टेड माय जर्नी एंड या समटाइम्स आई इवन एक्टेड जब मौका मिल गया. तो स्कूल में की थी ये वर्कशॉप सारी जो तुम बता रहे हो 10 से 15? हाँ, इसमें एक संजना मैम के साथ थी, एक टीआई वाले की ही या संजना कपूर. स्कूल में कैसे प्लेज होते थे तुम्हारे? स्कूल में यार हमारे स्कूल वाज नॉट वेरी बिग ऑन थिएटर, ऑल्दो दे वर वेरी सपोर्टिव ऑफ मी इन अ लॉट ऑफ अदर एंडेवर्स. थिएटर का कुछ बहुत रहा नहीं वहाँ पे, खास करके इवन खिलौना ट्राई टू अप्रोच देम वंस बट दे डिडंट वांट टू डू इट. एंड यूजुअली ऐसा ही हुआ है कि 200-300 बच्चे हैं श्री फोर्ट में कर रहे हैं एंड यू नो डायलॉग्स रिकॉर्डेड हैं, दैट काइंड ऑफ स्टफ. दिल्ली के मोस्टली स्कूल्स में यही होता है, मेरे स्कूल में भी यही रहा है. इवन हमने एक बार श्री फोर्ट में रिकॉर्ड किए बिना एक प्ले किया था, और उसमें क्या बैंड बजी, हम एक दूसरे को माइक पकड़ा रहे थे, डायलॉग बोल 1500 लोग के सामने आवाज तो पहुंचे नहीं बिल्कुल. देखो आई डोंट वांट टू ब्रैग अबाउट माय स्कूल, मेरे स्कूल में काफी हाई क्वालिटी का प्रोडक्शन होता था. तो मेरे स्कूल में वीके सर और किरण मैम करवाते थे वर्कशॉप, एंड इट हैज बीन लाइक दैट फॉर लाइक 20 इयर्स नाउ दैट किरण इज डूइंग वर्कशॉप इन माय स्कूल. तो आई वाज इन 10th जब पहली बार मैं गई उनके वर्कशॉप में, बट तब मैं बहुत इंटरेस्ट से नहीं गई थी, मेरा कुछ मन नहीं था थिएटर करने का, मैं सिर्फ इसीलिए गई थी कि मेरे दोस्त जा रहे हैं. बट मुझे बहुत मजा आया. तो जब मैं 12th में थी मैं फिर से गई, ऑल्दो 12th में बच्चों को अलाउड नहीं होता वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करना क्योंकि बोर्ड वाला साल होता है, तो दे से कि मत करो. बट इवन देन हम लोग प्रिंसिपल मैम के पास गए, हमने बात की और उन्होंने कहा कि कर लो बट यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम ऑल द टीचर्स. मैंने बगावत की, हमारे टीचर के पास गए लेने, तो हम परमिशन गए थे, मिली हमने गालियाँ. तो हम जिस टीचर के पास जाते हैं वो बोलती कि तुम फेल हो जाओगे या तुम देख लो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम पढ़ाई कैसे करोगे एटसेट्रा एटसेट्रा. बट एट द एंड सब लोग मान गए एंड वी डिड द प्रोडक्शन. हम लोग 4 बच्चे थे 12th क्लास के, तो वी डिड द प्रोडक्शन एंड इट टर्नड आउट ब्यूटिफुली. बहुत पुरानी नई कहानी. अरे यार यू नो ना तू कशिश डिड द म्यूजिक फॉर द फर्स्ट टाइम इन दैट प्ले. तो Yeah, so that was such a beautiful experience because the play was about women and the problems they face. Actually, it was about gender as a concept. So how it impacts women, how it impacts men, and how it impacts them while growing up, basically. So it became very close to my heart at that point. And not to brag about myself, but I played the lead character in that play. Whoa! And I really fell in love with performance and acting. And that was the first time that I really felt like I belonged somewhere when I stepped onto that stage of. अच्छा हाँ, तो एक interesting चीज़ ये भी कि हमारा स्कूल का जो शो होता था वो श्रीराम सेंटर में होता था. तो हम लोग छोटे बच्चे होते हैं और हम वहाँ जाके परफॉर्म करते हैं, 5 शोज होते हैं एंड हमें कभी पता नहीं लगा कि what a big deal it is and what a privilege it is. क्योंकि now that I see actors who are new and who are fresh and they are very excited कि कभी हम लोग श्रीराम सेंटर में परफॉर्म करेंगे. I'm like, yeah, मैं तो स्कूल में कर रही थी. तो anyway, now I look at it from a different angle. तो that was my first time and after that तो I wanted to do theater but I didn't have any options at that point. तो but luckily तब VK sir का फोन आया just as my 12th was ending. कि हम लोग हार्ड टाइम्स कर रहे हैं बचास वीकेंड्स एंड तो एक रोल है तुम्हारे लिए, तुमको करना है. तो आई सेड कि अभी तो नहीं आ सकती हूँ मैं, रिहर्सल स्टार्ट हो चुकी है बाय दैट पॉइंट. तो उन्होंने कहा कि ओके विल वेट फॉर यू. तो मैं मेरे बोर्ड खत्म हुए एंड द नेक्स्ट डे आई लैंडेड इन रिहर्सल एंड आई हैव बीन हियर सिंस देन इन 4 and a half इयर्स. सो दैट इज व्हेन इन हार्ड टाइम्स आई मेट आकाश एंड आई मेट कशिश अगेन. And I met a lot of wonderful people there. Oh, by the way, Hard Times is on YouTube. You can check it out on our YouTube channel. It's a wonderful play. And Akash played one of the lead characters in the play. So, कोई dialogue बोलो अपना. बड़े बड़े घरानों की सम्मानित महिलाएं वो जमीन चूमने को तैयार है जिस पर मैं चलता हूँ. और I should say बड़े बड़े घरानों की सम्मानित महिलाएं वो पॉडकास्ट सुनने को तैयार है जिस पर मैं आता हूँ. इफ यू वांट टू हियर मोर ऑफ दैट यू कैन वॉच हार्ड टाइम्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल. तो आई प्ले आकाश, क्या कहेंगे उसको,
सिस्टर मेरी इन लॉ बीवी को. की बहन, व्हाट डू वी से, मेरी बीवी की बहन, सो आई एम योर जीजू इन दैट प्ले. हाँ, तो आकाश प्लेज माय जीजू. और मतलब बहुत छोटी लड़की से आकाश शादी कर लेता है और वो उसको नापसंद करती है और छोड़ के भाग जाती है उसको, पर वो वापस भी आ जाती है बिकॉज शी इज अ गुड गर्ल फ्रॉम अ गुड हाउस. एनीवे यू कैन वॉच द स्टोरी. तो हाँ, तो कशिश डिड द म्यूजिक. इट वाज हिज फर्स्ट टाइम कंपोजिंग ऑल द म्यूजिक फॉर अ प्ले. या दैट वाज बीपीएम के बहुत पुरानी नई कहानी, द वन यू बट रन बीपीएम फर्स्ट. के में यू डिड नॉट डू ऑल द म्यूजिक. नो, या डिड यू जस्ट सॉन्ग राइटर? मैं सिर्फ गाने कंपोज किए एंड दैट वाज मोस्ट ऑफ देम. एक गाना वाज स्टिल विपिन सर एंड ही हैड इनपुट्स इन ऑल द सॉन्ग्स एंड सो डिड रूना मैम एक्चुअली, योर म्यूजिक टीचर इन योर स्कूल. तो या हाँ, इफ तो वी टॉक अबाउट बीपीएन के अनदर डे. तो हार्ड टाइम लाइक यू कैन वॉच Yeah, इट Hard एंड Times was the ऑल्सो. first one in which I was like totally on my own. या Almost, we did तो have बट यू Esra हैड there. एज्रा विद यू टू Yeah. फॉर वोकल ट्रेनिंग. एज्रा वाज रियली गुड दो. आई सैड टू सी हर गो. एज्रा यूज्ड टू वोकली ट्रेन अस एंड शी प्ले द फ्लूट. शी इज अ वंडरफुल फ्लूट प्लेयर. तो हाँ, आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक अबाउट कि नो, नाउ दैट वी आर सॉर्ट ऑफ इन थिएटर, वॉट इज इट लाइक फॉर द वर्ल्ड अराउंड यू? बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग, अ प्रोफेशन दैट पीपल अंडरस्टैंड सो इजिली. अपनी फैमिली को ही समझाने में बहुत मुश्किल हो जाती है कि आप क्या करते हैं, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अनदर दिस इशू इज ऑल्टुगेदर. जस्ट लाइक कि जो एक डॉक्टर है वो डॉक्टर से ही शादी करे तो ही उसकी बीवी समझ पाएगी कि क्या उनका टाइमिंग है और क्या इनको पापड़ बेलने पड़ते हैं. तो एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को परफॉर्मिंग आर्टिस्ट ही समझ पाता है इजीली. आई रिमेम्बर वन डे कि एक शॉर्ट फिल्म शूट कर रहे थे हम लोग कॉलेज में, तो मैं आता था रात को 3-3, 4-4 बजे. तो ऑब्वियसली घर वालों को प्रॉब्लम तो होती थी थोड़ी बहुत, पर फिर भी इतना कभी उन्होंने कुछ बोला नहीं, सपोर्ट किया था. तो मैंने डायरेक्टर को बोला, सर प्लीज इतना लेट मत छोड़िया करिए, घर जाके 4 बजे दरवाजा खुलवाना बड़ा मुश्किल का काम होता है. तो कहे यार तू अपनी मम्मी को बोलने, तो शाहरुख खान बनने वाला है 2 साल के अंदर अंदर, बस 2 साल की बात है. तो तो कितना टाइम हो गया इस बात को? उसको 5 साल हो चुके हैं. हाँ, पर शाहरुख बने खान नहीं आप बन पाए शाहरुख खान? ना ना. बट यू हैव अचीव्ड अदर थिंग्स व्हिच वी विल टॉक अबाउट इन अदर पॉडकास्ट. तो कशिश, आई इट वाज अ लिटिल इजियर फॉर यू आई गेस. इसका गल्ला है, इसको तो गल्ले पे बैठने से क्या दिक्कत माय प्रॉब्लम वाज नॉट सो मच यू नो गेटिंग माय माय फैमिली टू अंडरस्टैंड इट, बट रादर कि स्कूल में और बच्चे समझ पाए या टीचर समझ पाए. आई ऑलवेज हैड अ हार्ड टाइम विद दैट हाँ, एंड तुम तो स्कूल में बड़ा एम्बेरसमेंट होता होगा. पूछेंगे तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं, नोबडी गॉट तो इट, लोगों को नोबडी समझ न्यू नहीं आएगा. चीज क्या है, व्हाट द हेल. एक कभी नाइन किसी ने इज पूछा नॉर्मल आई कि क्या थिंक. करते हैं मम्मी पापा स्कूल में ऑफ कोर्स, कभी? ऑल्दो मुझे बहुत अच्छा रिकलेक्शन नहीं है ऐसा उसका, बट आई डू रिमेम्बर या बीइंग अ लिटिल एम्बैरस्ड अबाउट इट जस्ट बिकॉज़ इट वाज सो अनयूजुअल, यू नो जस्ट नोबडी हैज हर्ड ऑफ इट. ओके, ऑल राइट. ए, मुझे एक किस्सा याद आ रहा है जो मुझे मैम ने बताया था. तो कि ऑब्वियसली हमारा टाइम उल्टा ही रहता है हमेशा. तो एक बार कुछ ऐसा हुआ था, मैम और सर कहीं रिहर्सल से बहुत लेट आए थे. तो यूजुअली उल्टा होता है कि पेरेंट्स पूछते हैं ये कोई टाइम है घर पे आने का, ठीक है. तो उस दिन आई थिंक कशिश ने अपने पेरेंट्स को बोला ये कोई टाइम है क्या घर पे आने का. रिहर्सल से नहीं आ रहे थे पार्टी करके. ओह, देन फिर तो बहुत गलत है. ये कशिश में गलत है. ही शुड बी द वन आउट पार्टी. तो व्हाट एल्स? अच्छा, मेरे हिसाब से ऐसा हुआ कि मैंने इतनी बार ट्रैक बदला कि मेरे मम्मी पापा स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम द विप्लैश कि मतलब कहाँ जा खा रही है. बिकॉज आई वेंट टू लॉ स्कूल फर्स्ट, देन मतलब फॉर अ बंच ऑफ रीजंस आई हैड आई लीव आई लेफ्ट अबाउट 1 हफ्ता लेफ्ट लॉ स्कूल आई लेफ्ट. देन आई स्टडीड हिस्ट्री फॉर आई डिड माय बैचलर्स इन हिस्ट्री. तो देन नाउ माय पेरेंट्स आर लाइक अच्छा दैट नाउ यू आर गोइंग टू डू एमए एंड देन टू प्रोफेसर बन जाओ. मैंने एमए नहीं करना मुझे हिस्ट्री में. लाइक अच्छा फिर लॉ कर लो. तो आई फिर लॉ भी नहीं करना. देन लाइक फिर क्या करना है? तो मैंने कहा कि आई एम फिगरिंग इट आउट विच इज इन देयर बुक इट इज नॉट एन आंसर. इन मोस्ट पीपल्स बुक इट्स नॉट एन आंसर बट स्टिल आई इट्स ओके बिकॉज दे आर बींग पेशेंट विद मी.
वही है, इवन आफ्टर फोर एंड हाफ ईयर्स ऑफ डूइंग थिएटर आई कैन नॉट फुली एक्सप्लेन कि नाउ दिस इज माय प्रोफेशन और दिस इज माय करियर. इट्स बिकॉज इट्स सो अनहर्ड ऑफ एंड इट्स नॉट दैट यू डोंट रियली हियर कि कोई बहुत सक्सेसफुल थिएटर आर्टिस्ट, यू जस्ट हियर ऑफ द वन दैट फेल्ड. और या ये किसी के स्ट्रगल का पार्ट होता है कि मैं पहले थिएटर में बहुत स्ट्रगल किया, अब मैं बॉलीवुड आ गया और अब मैं एक्टर बन गया, या फिर वो एक टर्म बन जाती है शौक, ये तुम्हारा शौक है, तुम शौक के लिए कर लो लेकिन काम कुछ और करो. और बट आई थिंक एज आई थिंक इट इज एग्जैक्टली लाइक जो स्कूल में होता है, सो पीपल आर सॉर्ट ऑफ अनॉयड और आपको देख के फिर मस्ती है कि ये क्या कर रहे हैं अपने टाइम के साथ और अपनी लाइफ के साथ. बट वंस यू अचीव समथिंग, वंस यू गेट समवेयर, देन दे आर लाइक हाय बहुत अच्छा, बहुत अच्छी लाइफ बनाई है इसने, बहुत अच्छा काम किया है. और हाँ, अगर आपकी कोई कहानी है कि आप थिएटर में कैसे आए या क्या हुआ कि आप थिएटर नहीं कर पाए, तो प्लीज हमारे साथ शेयर करिए. और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हो थिएटर के बारे में या हमारी लाइफ के बारे में या हमारे ग्रुप के बारे में, तो प्लीज हमें कमेंट से पूछिए. और लाइक शेयर कमेंट बेल बटन ऑल दैट जैज, एंड थैंक यू, बाय बाय. तुम दोनों भी जाओ, बाय. बंद करो.